मैच नंबर 55, मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का, और वेन्यू था एम एच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का चेपॉक, जहां पर अभेद किला माना जाता है चेन्नई सुपर किंग्स का, और हुआ भी वही। महेंद्र सिंह धोनी की सेना ने डेविड वार्नर की जो कैपिटल्स थी उनको पलट कर रख दिया, यानी कि पलटा कर रख दिया, हरा कर रख दिया, और 27 रनों से इस मैच में एक तरफा जीत हासिल की, जिसकी बदौलत सीएसके अब पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है 15 पॉइंट्स के साथ, और लगभग ये माना जा रहा है कि अब सीएसके को क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो भाई उनकी जो दिल्ली है वो अब बहुत दूर हो गई है इस आईपीएल 2023 में, क्योंकि लगभग अब दिल्ली कैपिटल्स को आप बाहर ही समझिए। 11 मैचों में 8 ही पॉइंट्स है, अगर 3 मैच जीतते भी हैं तो भी उतने ज्यादा पॉइंट्स हो नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरी टीमों पर रहना पड़ेगा डिपेंड। और अब अगर एक और मैच हार जाते हैं तो ये ऑफिशियल हो जाएगा कि दिल्ली पहली टीम बन जाएगी ऑफिशियली प्लेऑफ्स की रेस से बाहर होने वाली आईपीएल 2023 के सीजन में। अब आपको बताते हैं भाई इनिंग बाय इनिंग की, पहले जब एमएस धोनी ने टॉस जीता तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो सीएसके की बल्लेबाजी में क्या रहा, और फिर डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स का चेज कैसे रहा। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी करने आए थे ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। अब इन दोनों की जोड़ी तो आईपीएल में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है ही, और ऐसी ही उम्मीद आज भी थी कि ये दोनों एक अच्छी शुरुआत देंगे, बट डेवन कॉनवे आज बिल्कुल भी लय में नहीं लगे। इनफैक्ट लकी भी रहे कि वो दो बार वो आउट होते होते बच गए, बट तीसरी बार उन्हें अक्षर पटेल ने पवेलियन भेज दिया। 13 गेंदों में 10 रन बनाए, एक चौका जरूर मारा, बट डेवन कॉनवे का आज दिन नहीं था, जिसके चलते वो आउट हो गए। साथ के उनके जो जोड़ीदार थे वो थे ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने शानदार पारी खेली, स्टार्ट अच्छा मिला था बट बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। 18 गेंदों में बनाए 24 रन, 4 चौके, छक्का एक भी नहीं, बट एक स्टार्ट जो है वो सीएसके को दे दिया था, और धीमी पिच थी जिसके चलते शुरुआत में धीमी स्टार्ट किया था, बट बाद में जाकर बॉल को कवर कर लिया था, बट शायद बड़ी पारी में कन्वर्ट कर सकते थे। तो 24 रन बनाकर ऋतुराज आउट हुए, डेवन कॉनवे आउट हुए 10 रन बनाकर। अब नंबर 3 पर आए भाई अजिंक्य रहाणे, जिस तरह के कमाल फॉर्म में है आईपीएल में, उस तरह से लग रहा था कि आज अजिंक्य कुछ कमाल करेंगे और स्पिन ट्रैक को अच्छे से खेलेंगे, बट अजिंक्य भी स्टार्ट के बावजूद पारी को बड़ा नहीं कर पाए। 20 गेंदों में 21 रन बनाए, 2 चौके और कोई भी छक्का नहीं। मोइन अली आए, उनको नंबर 4 पर भेजा गया, बट वो भी आज कुछ कमाल नहीं कर पाए। 12 गेंदों में 7 रन बनाकर कुलदीप यादव को उन्होंने विकेट दे दिया। उसके बाद आए भाई शिवम दुबे, दुबे ने क्या बल्लेबाजी की आज, धीमी पिच पर जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, काबिले तारीफ थी। 12 गेंदों में 25 रन बनाए, 3 छक्के के साथ 208 का स्ट्राइक रेट। जिस पिच पर हर कोई स्ट्रगल कर रहा था वहां पर दुबे आकर छक्के लगा रहे थे, कमाल की बैटिंग करके गए शिवम दुबे, और आखिर में आउट हो गए मिचेल मार्श की गेंद पर, बट तब तक दिल्ली कैपिटल्स को अच्छा खासा नुकसान करके गए थे। इसके बाद आए अंबती रायडू, जो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, उन्होंने भी 17 गेंदों में 23 रन बनाए, एक चौका एक छक्का, ठीक ठाक लय में लगे, बट वही बात है कि बड़ी पारी। इस पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की कमजोरी यही रही आज के दिन कि कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया, सबको स्टार्ट मिला, 20 15 10 15 20 25 ऐसे बने, बट बड़ी पारी नहीं कर पाए। तो रायडू भी 17 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद आए रविंद्र जडेजा, 16 गेंदों में 21 रन, एक चौका एक छक्का, और कमाल की पारी खेली इन्होंने भी, बट वही आखिर में यही पूरी सीएसके की रही कि भाई बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट ठीक ठाक स्कोर किया। उसके बाद आए भाई एमएस धोनी, जिनका इंतजार हर किसी को था, और क्या कमाल खेला उन्होंने, 9 गेंदों में 20 रन, एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के, 222 का स्ट्राइक रेट, और सीएसके के फैंस जिसका इंतजार कर रहे थे वो आज हो गया। एमएस धोनी आए, 9 गेंदे खेली और 20 रन, ताबड़तोड़ 20 रन बनाए, जिसकी बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स 167 रन बना पाए। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की, तो भैया दिल्ली की तरफ से उतरे एक बार फिर से ओपनिंग बैटर के रूप में डेविड वार्नर और फिलिप सॉल्ट, बट इस बार कप्तान साहब डक का शिकार हो गए। दीपक चौहान ने उन्हें शानदार आउट किया, अजिंक्य रहाणे ने शानदार कैच पकड़ा, और 2 गेंदों पर महज डेविड वार्नर की जो पारी थी सस्ती पारी, वो एक बार फिर से नेस्ता नाबूद हो गए डेविड वार्नर, और ये छोटी सी पारी के चलते दिल्ली को सबसे बड़ा झटका लगा इस पूरे मैच का, क्योंकि डेविड वार्नर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। उनके जोड़ीदार फिल सॉल्ट, जिन्होंने पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी की थी एक तरफा, बट इस बार चेन्नई के आगे उनकी चली नहीं, दीपक चौहान के आगे उनकी चली नहीं। 11 गेंदों में बनाए 17 रन, एक चौका और 2 छक्के, हालांकि स्टार्ट मिल गया था, लग रहा था ये डेंजरस हो सकते हैं, 154 की स्ट्राइक रेट थी, बट दीपक चौहान का आज दिन था भाई साहब, तो फिल सॉल्ट को उन्होंने सस्ते पर रोक दिया।
मिचेल मार्श आए नंबर तीन पर, बट रनआउट हुए मनीष पांडे के कारण। अजिंक्य रहाणे ने इन्हें रनआउट किया और बड़ी ही प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उस रनआउट के पीछे, बट मनीष पांडे इस रनआउट के विलियम रने और मिचेल मार्श 5 रन बनाकर 4 गेंदों में एक चौका लगाया था बट सस्ते में आउट हुए। इसके बाद बारी थी भाई मनीष पांडे की कि भाई अब आपने रनआउट तो करवा दिया है मिचेल मार्श को, तो आपको इस इनिंग को आगे एक्सेलरेट करना पड़ेगा और हुआ भी यही। मनीष पांडे और राइली रोसो इन दोनों की जो बल्लेबाजी थी, इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी 50 प्लस की, उन्होंने एक तरह से दिल्ली को गेम में बनाए रखा। भले ही रनआउट था क्योंकि पिच स्लो हो गई थी, बट बनाए रखा था। बट उसके बाद जब राइली रोसो आउट हुए और मनीष पांडे आउट हुए तो वहां पर लगा कि भाई अब दिल्ली का गेम खत्म हो गया। मनीष पांडे मथीजा पथराणा की गेंद पर LBW हुए, 27 रन बनाए 29 गेंदों में, एक चौका और 2 छक्के, स्ट्राइक रेट बहुत कम था बट पिच के हिसाब से ठीक ठाक था और अगर आखिर तक खड़े रहते तो शायद दिल्ली को मैच जिता देते। और उसके बाद राइली रोसो 37 गेंदों में 35 रन 2 चौके 1 छक्का, इनकी भी स्लो पारी थी बट टिकने वाली पारी थी, बट रविंद्र जडेजा के आगे इनकी चली नहीं और मथीजा पथराणा को कैच थमा बैठे। उसके बाद भाई औपचारिक था, रिपल पटेल आए, वो भी रनआउट हो गए मोइन अली की गेंद पर, 10 रन बनाए उन्होंने 16 गेंदों में, कोई भी चौका नहीं, कोई भी छक्का नहीं। अक्षर पटेल इन्होंने जरूर बनाए ताबड़तोड़ 12 गेंदों में 21 रन 2 चौके और 1 छक्का, बट ये लोन वॉरियर थे, ये आखिर करते भी क्या। इनकी जो बल्लेबाजी इतनी नीचे आ रही है कि भाई समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ये डिसीजन क्या डेविड वार्नर ले रहे हैं, क्या रिकी पोंटिंग ले रहे हैं या फिर ले रहे हैं सौरभ गांगुली। समझ से परे है कि अक्षर पटेल को इतना नीचे क्यों भेजा जा रहा है और हर बार ये वो दिखाते हैं कि मैं कितने अच्छे फॉर्म में हूं, बट फिलहाल इस मैच में भी अक्षर को नीचे भेजा गया और उनका वो कोई फायदा था ही नहीं क्योंकि तब तक दिल्ली मैच गंवा चुकी थी। उसके बाद तो खैर औपचारिकता थी, अमन ललित यादव कुलदीप यादव इनका तो खैर ये गेंदबाज है तो उतना ज्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा नहीं और ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स ये मैच 27 रन से पीछे रह गया, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीतकर नंबर 2 की पोजीशन पर कायम है 15 पॉइंट्स के साथ। अब चेन्नई के पास बचे हैं 2 मैच और दिल्ली कैपिटल्स के पास बचे हैं 3 मैच और दिल्ली कैपिटल्स लगभग इस प्लेऑफ से यानी कि IPL 2023 की प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई है।